अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमारे फिंच बर्ड ने जैसा कि तय कर लिया है कि उसको हमें परेशान करना है, तो दिखाते हैं कि आज उनके कारनामे क्या हैं। तो ये हमारे पास पियर है जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको रियो एंड ट्विटी से मिलवाया था। तो पीछे मौजूद है रियो एंड ट्विटी। ये रहा उसका मूवी देखना, अच्छा चुवा के बैठा हुआ है। अब किया क्या भाई, किया ये है कि अभी तो रियो एंड ट्विटी जो है ख़ुद से खाने के काबिल भी नहीं हुए, मगर इनके पेरेंट्स ने फिर से एग लेइंग कर दिया। अच्छा, अब एग लेइंग का नुकसान ये होता है कि अगर ये फ़ौरन से अंडे दे दे तो जो मटकी में गंदगी होती है उसकी वजह से जो बच्चा अब निकलेगा बाहर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आपके पास पूरा टाइम ज़ाया हो जाता है। फिर वही है कि फीमेल ने पहले अंडे दिए हैं, फिर वो कमज़ोर हो जाएगी, फिर से वो एग लेइंग करेगी, तो इतने एग ले करना भी ठीक नहीं होता। अच्छा, ये सिर्फ एक का हल नहीं है। ये हमारे पास पहला पेयर है जिसने ऐसा किया है कि वो जैसे ही मटकी से बच्चे बाहर आए और उनके फौरन बाद उन्होंने एग लेइंग कर दी। ये हमारे पास पहले पेयर का हाल। फिर ये हमारे पास जो हमारा सेकंड पेयर है, इनके बच्चे भी अभी नीचे बैठे हुए हैं और इन्होंने फौरन से ही एग लेइंग कर दी। मैंने भी इनको दिया था नेस्टिंग मटेरियल, तो इन्होंने यहाँ पर अपने ही अंडे पर डाल दिया नेस्टिंग मटेरियल। तो कितने प्यारे से बच्चे बैठे हैं, छोटे से, इसको भी देख लें आप कितने क्यूट लगते हैं ये लोग, बड़े वेरी क्यूट। तो ये इसका हाल है। फिर इस पेयर में यहाँ सब सो रहे हैं, इनका गुड नाइट हो चुका है। इनको उठाते हैं पहले। हाँ, ये उड़ गए हैं भाई, कितने प्यारे हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह से। तो इनका भी यही हाल है कि ये भी यहाँ पे अभी अंडे देने वाले हैं। तो इसका हल भाई सिंपल सा, इसका हल यही है कि आप क्या करें कि जैसे ही आपके पास जो आपकी मेल फीमेल हैं वो अंडे दे दें इस तरह से, या वो बच्चे जब बाहर निकाल लें अंडे दे के बच्चे बाहर आ जाएँ उससे, और जब वो बच्चों को फीड करवा रहे हों, जब बच्चे बाहर आ चुके हों मटकी से, तो आप मटकी को निकाल दें। ये सिंपल सा तरीका है। वरना अगर आपके पास आसानी है तो आप फ़ौरन से जैसे बच्चे मटकी से बाहर आए मटकी साफ़ करें ताकि वो फिर से एग लेइंग करें। तो फिर से तो ये थी आज की बस छोटी सी वीडियो, सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि मुझे क्या इशू आ रहा है। अब इस इशू को रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम कम होता है और हम कर नहीं पाते हैं इस तरह से काम। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम।